अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बहुत ही अलग अंदाज में आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे पूरी, पराठा या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हो, या ब्रेड वगैरह के साथ भी ले सकते हो। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को गरम होते ही मैं इसमें आलू और बैंगन को थोड़ा सी फ्राई कर लूँगी, ताकि हमारी सब्जी का जो स्वाद है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसे मैं सॉटे कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से चला के कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए सॉटे करना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है दोस्तों, इसे सॉटे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्जी वो अच्छे से सॉटे हो गई है, गल गई है थोड़ा बहुत, और भुन गई है बहुत ही अच्छे से। अब इसे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। और सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पर गरम होने रख दिया है। अब मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करूँगी, इससे इसके टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। इसलिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा भी ऐड करूँगी, और कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर लेती हूँ। कड़ी पत्ते को अच्छे से तड़कने देते हैं। साथ में ऑनियन भी ऐड कर लेती हूँ। ऑनियन को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर ऑनियन थोड़ा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर रही हूँ दोस्तों। गार्लिक को भी मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे मसाले जो भी फ्लेवर है वो आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए, मिक्स कर लिया मैंने हल्का सी। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अच्छे से सॉटे कर लिया है सारे मसाले। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर लेती हूँ। टमाटर में मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगी। टमाटर को पहले हम थोड़ा से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से टमाटर मैंने अच्छी क्वांटिटी में लिया है दोस्तों। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, और गरम मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी, ताकि टमाटर गल जाए और सारे मसाले मिक्स हो जाए। अब इसे लगातार चलाते हुए मुझे भूनना है, ताकि टमाटर अच्छे से गले और मसाले भी पक जाए। तो इसे पका लेती हूँ कुछ टाइम के लिए लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा जो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जो सब्जी हमने फ्राई किया था वो ऐड कर लेंगे। जब सारी सब्जी ऐड हो जाए, तब इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले, नमक वगैरह आराम से अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया है सारा मसाला सब्जी में। अब इसे ढककर पकाना है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जी को हमने ऑलरेडी सॉटे कर लिया था। तो मैं इसमें फ्रेशनेस के लिए कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ, ताकि सारा फ्लेवर हमारी सब्जी को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सब्जी जो है वो मिक्स हो गई है अच्छे से।
अब मैं इसमें थोड़ा सी पानी ऐड करने के बाद इसे पकने दूंगी। इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि सारे मसाले पक जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक कहीं पकाना है, तो मैं इसे ढक देती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने चला लिया था। अब ये रेडी हो गया है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए, तो चलिए मैं इसे दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, मैंने सर्व कर लिया है। कोई भी सब्जी गर्मा गर्म खाए जाए दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा होता है। जिसे खाना है उसे डायरेक्टली उनकी प्लेट में दीजिए, गर्मा गर्म पूरी के साथ या चपाती या फुलका पराठा जो भी मिल जाए, तो गरम गरम ही इंजॉय करना चाहिए दोस्तों। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। सब्जियों को पहले मैंने फ्राई कर लिया था आपके सामने, आलू और बैंगन को, तो इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो इसी तरह की सब्जी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।